हेलो गाइस, नमस्कार। अगर कुछ बड़ी मूवियों की बात करूं तो बड़ी मूवियों में हमारे सामने क्रिश फोर को हम नहीं भूल सकते, नहीं कोई भूल सकता है। क्रिश फोर मूवी से जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट आए हैं, तो चलो सोचा उसके बारे में एक वीडियो तो ऑडियंस के सामने रख ही दिया जाता है। क्रिश फोर मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि बच्चे से लेकर हर एक एज के इंसान क्रिश जैसी मूवियों को प्यार देने में एक कदम भी पीछे नहीं हटते। लेकिन 2023 के स्टार्टिंग यानी जनवरी में ऋतिक रोशन से क्वेश्चन पूछा गया था, भाई क्रिश फोर मूवी कब तक आएगी और कब तक नहीं आएगी। तो यहां पर ऋतिक रोशन के जो बयान रहे थे वो काफी हैरानजनक थे, आश्चर्यजनक थे। लेकिन यहां पर ऋतिक रोशन ने कहा आई डोंट नो, यानी अभी मुझे कोई अंदाजा नहीं है क्रिश फोर के बारे में। लेकिन वहीं पर क्रिश फोर से जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट किए गए राकेश रोशन से, जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं। राकेश रोशन ने कहा क्रिश फोर को हम लाएंगे, लेकिन थोड़े सीक्वेंस हैं जिनको हम सुलझाने में लगे हुए हैं। मूवी बड़े अमाउंट की 800 करोड़ के आसपास की मूवी होगी, पूरी तरह से हॉलीवुड स्टाइल में लाने की कोशिश की जाएगी। क्रिश थ्री आपने देखा होगा, उसमें जो विलेंस थे वो काफी ज्यादा थे और क्रिश को संभाल पाना उनके लिए काफी ज्यादा चुनौती भरी बात भी थी। यानी कि अगर उस रूप में देखा जाए तो ऋतिक रोशन के लिए उन विलन इतने ज्यादा थे, संभाल पाना इसलिए मुश्किल था कि वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। तो यहां क्रिश फोर में शायद एक हीरो की और एंट्री होते हुए नजर आ जाएगी, क्योंकि क्रिश फोर से जो है उम्मीदें, देखो क्रिश फोर में पहली तो बात जो है क्रिश फोर का अलग चेहरे से हमारे सामने फेस किया जाएगा इस मूवी को। और इसमें जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया अलग चेहरे से फेस किया जाए, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि क्रिश फोर में यानी टाइगर श्रॉफ की एंट्री हो सकती है। लेकिन टाइगर श्रॉफ की एंट्री हो सकती है गाइस, ये चीज मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं कि नहीं कंफर्म टाइगर श्रॉफ की एंट्री हो जाएगी। यहां पर अगर हम रिपोर्ट मानू गूगल सर्च में उनका नाम दिया गया है, और जहां पर गूगल सर्च के अलावा उनका नाम दिया गया है पोस्टर्स में, और पोस्टर रिलीज किया गया तो पोस्टर्स में भी उनका नाम रिवील किया गया है। इस वजह से हम कह सकते हैं इस चीज को शायद टाइगर श्रॉफ का परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन टाइगर श्रॉफ का परफॉर्मेंस होता है तो मूवी को नेक्स्ट लेवल तक भी जाएगी, ये भी चीज बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यानी कि ऋतिक रोशन जो है क्रिश फोर में जादू का भी कमबैक हो रहा है, और वहीं पर जादू का कमबैक होने के साथ साथ में एक अलग भी फंडा इसमें सेफ हो रहा है। यानी कि जादू का कमबैक, टाइगर श्रॉफ का एंट्री, और वहीं ऋतिक रोशन का टाइम टेबल में जाना, बहुत ही यानी हॉलीवुड स्टाइल में एक ऐसी इस मूवी को बनाया जाएगा कि ऐसी ये मूवी बन सकती है लगभग 2500-3000 करोड़ के बीच में मूवी कमाने की क्षमता रख सकती है। यानी इतने बड़े अमाउंट को कमाने के लिए और गेन करने की ये मूवी काफी क्षमता रख सकती है। लेकिन मूवी को रिलीज होने के बाद ही हम कुछ कंफर्म डाटा इससे खींच पाएंगे, जो होगा देखेंगे। फिलहाल मूवी हमारे सामने 2025 तक उपस्थित होने की संभावना है। फिलहाल जो भी डाटा होगा मिलेगा आप लोगों को हमारे चैनल पर सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में।